गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे लोगों को समस्या क्या है, और समस्या ये बताई जा रही है कि शमशान घाट था यहां पे शास्त्री नगर का, तो लोगों ने यहां पे अभी कब्जा किया हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं लोगों से। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उपल सिंह है, निवासी। यहाँ पर क्या समस्या, किस लिए आप इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये शमशान घाट, ये RWA हमें मुर्दे नहीं फूकने देता जी, और ये लाठी चार्ज करवा देते हैं पुलिस बुला के पैसे के दम पे, और इस प्लॉट पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। ये कितना पुराना शमशान घाट होगा? ये लगभग 600 साल पुराना शमशान घाट है सर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश है, हरसाऊ का निवासी हूँ। तो यहाँ पे जो समस्या बताई जा रही है कि आपने इसके कोई लिखा पढ़ी की GDA वगैरह को? GDA में हमने बहुत लेटर दिए हैं, RTR भी डाली है, अभी इसका कोई जवाब नहीं दिया गया GDA की तरफ से। हम GDA में 8-8 10-10 घंटे बर्बाद कर गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। GDA कहता है कि ये हमारे यहाँ पर इसका कोई कागजात नहीं है, तो जब नगर निगम कह रही है कि इसके कागजात बोले को मत दर्ज है, तो फिर GDA क्यों नकार दिया हमें? तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का अवैध कब्जा किया हुआ है। अवैध कब्जा किया हुआ है हमारे शमशान में गेट खोले हुए लगा, बाकी इनका मेन गेट तो आगे से है, बाकी खिड़की लगा रखे है, दरवाजे लगा रखे है, सारा कब्जा कर लगा। खिड़की वो उधर सामने उधर इशारा, वो खिड़की लगा रखी है, वो खिड़की खोल रखी है, और यहाँ पार्किंग बनाना चाहते हैं, पार्क बनाना चाहते हैं ये लोग। GDA से क्या अपील करते हैं? GDA से आप क्या अपील करते हैं? GDA से हम ये अपील करते हैं, इन पर भू माफिया का केस करा जाए, जुर्माना लगाया जाए, सख्त कार्रवाई करें, ये गेट बंद करवाएं। सर हमारा सीधा आप देख रहे हैं गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान, धन्यवाद। क्या नाम आपका? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर जी आप कौन है इस समिति के? इस समिति का अध्यक्ष जी। क्या नाम है समिति का? समिति का नवनिर्माण सामाजिक विकास समिति, हरसाऊ समिति भी सुना, गाँव हरसाऊ है जी, गाँव हरसाऊ। सुखबीर जी क्या मामलात है शास्त्री नगर के इस भूखंड पे, जहाँ पे आप बताते हैं मरघट है ये, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये जी, हमारे गांव के जो शमशान है, और जब से हमारा गांव, जब से ये शमशान है जी, नगर निगम ने ये सारा ये बोर्ड भी लगवाए हैं, और ये पानी की व्यवस्था भी करी है, पेड़ पौधे भी लगाए हैं, साफ सफाई भी करी है जी, और ये जो शास्त्री नगर के जो है जी, मतलब सोसाइटी के लोग ये चाहते हैं। सोसाइटी का क्या नाम है जो आपके विरुद्ध है? ये शास्त्री नगर वेलफेयर एसोसिएशन। कौन है इसके सचिव या अध्यक्ष? इनके अध्यक्ष जी NK शर्मा। NK शर्मा जी, क्या प्रॉब्लम है NK शर्मा की सोसाइटी को? ये चाहते हैं कि जी शमशान ना रहे, वे शमशान घाट हम इसे पार्क या अपार्टमेंट में तब्दील कर दें। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने इसकी शिकायत करी है जी, नगर निगम में करी है, GDA में करी है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि नगर निगम का बोर्ड लगा है सरकारी, इस पे कालक पोती गई है, क्या है मामला? ये कालक भी इन्हीं की पोती हुई है जी। अच्छा, और हमने इनके खिलाफ जो है शिकायत भी करी है नगर निगम में भी, और उसमें भी इनके कालक। क्या ये केस जो है विचाराधीन है कोर्ट में? नहीं जी, हमारा कोर्ट में कोई विचाराधीन नहीं, हमारा नगर निगम का और हरसाऊ का वो है। नगर निगम क्या कह रही है? नगर निगम ने ये सारा कार्य कराया है, वो मतलब हमने सुना है कि नगर निगम के जो संपत्ति अधिकारी हैं भोला जी, उन्होंने ये फैसला भी सुनाया आपको, कोई फैसला था कि जो ये जमीन जो है अब आपके मरघट जो है आपके हित में दी जा रही है हरसाऊ नवनिर्माण समिति के लिए? हाँ जी, भोलानाथ जी ने सर्वे करा, मतलब तहसील ने भी करा जी, तुम्हारा नगर निगम। तो ये मान सकते हैं कि फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप है एक सरकारी संपत्ति यहाँ पे नगर निगम की गड़ी हुई है, जिसे कालक पोती गई है। ये जो मामला है, जो सोसाइटी है, ये वेलफेयर एसोसिएशन NK शर्मा जी की, तो इन्होंने कोई पर्सनल यहाँ पे कुछ क्या मैटर है यहाँ? हम अपने कैमरा मैन से चाहते दिखाएं, मकान बनाया हुआ है। हाँ, हमारे शमशान किया है, मतलब ये गेट खोला हुआ है पीछे की ओर, मतलब शमशान भूमि की ओर पे। अच्छा, चाहते हैं कि शमशान खत्म करते हुए हम अपने इसे कब्जा कर लें और इसे पार्क के। हमने ये भी सुना है कि आपने इस अवैध निर्माण का जो गेट खुला हुआ है, आपने GDA से शिकायत भी की इसकी? हाँ जी, हमने GDA से शिकायत भी की, मगर GDA ने हमें कोई भी इसका वो नहीं दिया। तो GDA अधिकारी जो है आशुगर जी, आप इस समिति हरसाऊ समिति या नवनिर्माण समिति की कौन है? मैं बल्कि शास्त्री में रहता हूँ जी, मैं वैसे मैन जगह में शास्त्री में हरसाऊ में। आपका क्या पद है इसमें? मैं जो सचिव हूँ। सचिव है? हाँ। क्या समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये थी, जब हमारे नगर निगम में सारा काम करवा दिया, नगर निगम कह दिया शमशान घाट हमने आज अब 7 चालू कर दिए, 8वां से चालू करेंगे। जैसे कि हमने सुना है कि आज जो ये व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ गेट खोला हुआ है इन्होंने, वह NK शर्मा सोसाइटी ने, तो क्या मामला क्या है पूरा? ये NK शर्मा जी ने ये खोला था, ये जो दरवाजा खोला था जी, ये दरवाजा खोलने के बाद ये कह रहे हैं हम अपना यहाँ पर पर्सनल यहाँ प्लॉट कटवाएंगे। आपकी सोसाइटी को क्या दिक्कत है इससे? सोसाइटी दिक्कत ये है, ये कहते हैं शमशान घाट नहीं, हमारा दरवाजा रास्ता ही, हमारा प्लॉट बताते हैं इसको, 4-5 है। तो आपने इसकी शिकायत उपाध्यक्ष GDA से भी की है? सचिव साहब को भी दी थी,
हमने बीजी साहब को दी थी, अनुसूचित साहब को दी थी, हमने ये बोला साहब हमारे जो शमशान घाट में रास्ता खोल, क्या कहना उच्च अधिकारियों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का, जिसकी फाइल नहीं है, चार पाँच जगह शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट नहीं है तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। डीएम साहब ने जाँच करवाई थी, तहसीलदार की रिपोर्ट लिखवाई थी, तहसीलदार रिपोर्ट ये थी शमशान भूमि है, फिर नगर निगम को दिया गया, नगर निगम ने ये बोला शमशान घाट है। अभी जो ये गेट खोल रखा है पीछे, इनका नाम जानते हैं कि मतलब कौन है व्यक्तिगत? एनके शर्मा के साथ टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इनके तो आप क्या चाहते हैं, ये क्या ये हो? चाहते हैं दरवाजे बंद, इनके मुकदमा भू माफिया के साथ कब्जा करना चाहते हैं, ये कहते हैं मैं दरवाजे बंद नहीं करूंगा। आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? चाहते हैं इसके ऊपर भू माफिया का जी मतलब सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज करा जाए और इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करी जाए, उनका गेट बंद करवाया जाए जी। और जो शमशान घाट पर काली पोती है, हम नगर निगम से, आप जब जीडीए उपाध्यक्ष साहब से जो ये दरख्वास्त पहले भी लेके गए थे, हमने सुना आरटीआई भी आपने दी सर, हमने आईटीआई डाली थी, आईटीआर में कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा कि कोई शमशान घाट नहीं है, कोई आपका कुछ भी नहीं है, जब शमशान घाट नहीं है तो जगह क्यों खाली पड़ी है ये बताइए। जब नगर निगम को पता है शमशान घाट है तो डीएम साहब भी को पता है, सबको पता है ए टू जेड, जब भी यहाँ पे काम हुआ है, ये बोर्ड लगाया है, तारबंदी करा है, ये हमारे शमशान घाट हैं, देखिए इन्होंने शमशान घाट के पैर तार सब तोड़ दिए। चलिए हम कवर करते हैं। बाबूजी का क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन है। रतन जी आप कब से सोसाइटी मतलब गांव से? समस्या ये है जो हमारे शमशान घाट है, ये इसके कहते हैं शमशान घाट नहीं, ये प्लॉट है। अच्छा, हाँ, जब हमारे नगर निगम के रिकॉर्ड में चढ़ावा है, तहसीलदार का चढ़ावा है, पटवारी में चढ़ावा है, शमशान की भूमि है, नगर निगम ने बोर्ड भी लगाया, भू माफियाओं ने पीछे दरवाजे खोलने वालों ने। आशु जी ये बोर्ड जो है नगर निगम का है जैसे देख रहे हैं हम लोग, सरकारी संपत्ति पे ये काले किसने पोती है? ये शास्त्री ने भू माफिया ने पोती है, एनके शर्मा और उनकी पूरी टीम है। किन के? एनके शर्मा। कौन है एनके शर्मा? इनके की टीम अपनी सबमिट करा दी। अच्छा, नहीं ये कोई सोसाइटी है क्या? सोसाइटी है। नाम बताइए सोसाइटी का। ये आप बताइए आप। इसके सचिव कौन है? सचिव साहब जी, एनके शर्मा अध्यक्ष साहब इसके। अच्छा अध्यक्ष है। हाँ। क्या 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 चाहते हैं क्या ये लोग भी? वो ये चाहते हैं यहाँ पर इसको हम वहाँ पर अपार्टमेंट बना दें, इसको प्लॉट कटवा दें। जब जीडीए में हमने इसके लिए एप्लीकेशन लिख के दी कि ये इन्होंने दरवाजे खोल दिया, दरवाजे बंद करने के लिए, जीडीए ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, जीडीए कान पर जू तक नहीं रह गई। हमने क्या उम्र है आपकी? 50 साल। क्या मसला क्या है ये मसला? शमशान घाट गाँव के कोई फूक नहीं देते, मुर्दे को फूक नहीं देते, शास्त्री नगर वाले फूक नहीं देते। ये सोसाइटी क्या? सोसाइटी वाले। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार है जी। जी मैं गाँव जी। क्या मसला क्या है ये जो मरघट का, क्या मसला? सर यही है, इसमें ये चार पाँच लोग हैं जो शास्त्री नगर जो सोसाइटी है, इनके जो मतलब कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग हैं मतलब जो हमारे मतलब शमशान को चालू नहीं होने दे रहे हैं और बार बार जीडीए के अंदर कोई ना कोई जाकर। क्या ये केस क्या है कोर्ट में भी अभी? नहीं सर, कोर्ट के अंदर कोई इसका मामला नहीं है, और अगर मामला होता तो सब सबके सामने आता जी। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से और नगर निगम और मजिस्ट्रेट साहब से? क्या हमारी सभी अधिकारियों से यही अपील है कि जी हमारा ये शमशान जल्द से जल्द चालू हो। तो योगी जी कहते हैं कि जो यूपी में भूमाफिया रहेगा उसको हम कार्रवाई करेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं योगी जी से? योगी जी से ये हमारी अपील है कि जो भी भू माफिया है उन पर सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, तो आपके हिसाब से अभी यहाँ गलत क्या हो रहा है? गलत यही हो रहा सर, आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मतलब दरवाजा बना मतलब खोल रखा है शमशान की ओर जी। वीर सिंह है जी, हर सांव से विलोम करता हूँ। किस नाम से समिति है आपकी? हमारी नवनिर्माण सामाजिक विकास समिति हर सांव। किस पद पे हैं आप? मैं समिति का अध्यक्ष हूँ सर। अध्यक्ष है। क्या मामला है जो आपका जो शास्त्री नगर जो ई ब्लॉक के मेन रोड पर जो ये मरघट है शमशान है, क्या मसला क्या है पूरा? मसला ये है जी, हमारी जो गांव के शमशान है ये जन्म से मतलब जब से ये गांव बसा जब से ये शमशान है, लगभग 600-700 साल पुराने तो हैं ही। और मतलब समस्या ये है जी, ये हमारे जिस गांव के मुर्दे आते हैं ये तीन चार कोठी वाले, ये कोठी वाले कोई समिति भी इनकी जी समिति भी है। किस नाम से? शास्त्री नगर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। इसके अध्यक्ष एनके शर्मा। एनके शर्मा क्या चाहते हैं शर्मा जी? वो चाहते हैं कि ये शमशान ना रहे, में पार्क बन जावे और ये जो चार पांच कोठी वाले इस पार्क के रूप में यूज करें। ये कहाँ कहाँ डाली है? हमने डाली है जी नगर निगम में डाली है, और हमने ये तुम्हारे इसमें जीडीए में डाली है जी। डीएम साहब को भी दिया। डीएम साहब ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी कि ये शमशान घाट है। तहसील ने भी रिपोर्ट लगा दी कि ये शमशान घाट है। नगर निगम ने भी लगा दिया शमशान घाट है। तो जीडीए इसमें क्या रुकावट? जीडीए रुकावट ये कह रही है ये शमशान मतलब इन्होंने तो फाइल ही गायब कर दी। फाइल गायब? हाँ जी, इनके तो कागज ही नहीं है हमारे पास। सुना है कि आपको यहाँ कोई सोसाइटी वालों से कोई समस्या हुई है? समस्या है जी, ये जो है हमारे शमशानों में इन्होंने गेट खोले हैं,
ताकि हम इसे पार्क के रूप में यूज कर सकें और इस शमशान ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे और इसलिए इन्होंने भू माफिया के साथ सुना है कि यहाँ पे कोई नगर निगम का बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ जी, नगर निगम ने बोर्ड लगाया था और उस पर कालिक भी पोत दी गई। भाऊ जी, किसने नगर निगम में कालिक पोती है बोर्ड के ऊपर? ये जो है ये आसपास के आदमी है, नाम तो मैं नहीं जानता है, इनके यही कर रहे हैं हमारे कह रहे। क्या यहाँ पे कोई इन्होंने दरवाजा भी खोला आपने? दरवाजा एक होल रखा, पूरा एक होल रखा है। क्या क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम ये अपील करना चाहते हैं हमारे शमशान शमशान रहेंगे। आप क्या नाम है आपका? नाम मेरा आशु है। आशु जी, क्या मतलब यहाँ पे अपील करना चाहते हैं जीडीए से? सर देखो, अब जीडीए पहले तो जीडीए के पास सबसे पहला पॉइंट दिया था जीडीए पर, जीडीए ने साठ गार्ड करके फाइल को गायब कर दिया है। हमें लगता है जीडीए ने पैसा खाया इस पर, जब जीडीए को काफी बार हमने एप्लीकेशन दी थी। क्या लगता है किसकी सह पर गेट खुला हुआ है? ये जीडीए की साठ गार्ड से। क्या उम्र है आपकी? मेरी 50 साल। क्या मसला क्या है ये उम्र का? मसला है समझा के कोई फूक नहीं देते, मुर्दे को फूक नहीं देते, अस्थी नगर वाले फूक नहीं देते। ये सोसाइटी क्या सोसाइटी वाले? सोसाइटी वाले। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार है जी। जी मैं गाँव जी। क्या मसला क्या है ये जो मरघट का? क्या मसला सर? यही है, इसमें ये चार पाँच लोग हैं जो सस्तीनगर जो सोसाइटी है, इनके जो मतलब कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग हैं मतलब जो हमारे मतलब शमशान को चालू नहीं होने दे रहे हैं और बार बार जीडीए के अंदर कोई ना कोई जाकर। क्या ये केस क्या है कोर्ट में भी है अभी? नहीं सर, कोर्ट के अंदर कोई इसका मामला नहीं है, और अगर मामला होता तो सबके सामने आता जी। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से और नगर निगम और मजिस्ट्रेट साहब से? क्या हमारी सभी अधिकारियों से यही अपील है कि जी हमारा ये शमशान जल्द से जल्द चालू हो। तो योगी जी कहते हैं कि जो यूपी में भू माफिया रहेगा उसको हम कार्रवाई करेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं योगी जी से? योगी जी से ये हमारी अपील है कि जो भी भू माफिया है उन पर सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, तो आपके हिसाब से अभी यहाँ गलत क्या हो रहा है? गलत यही हो रहा है सर, आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मतलब दरवाजा बना मतलब खोल रखा है शमशान की ओर जी।